अस्सलामु अलैकुम भाई, मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार सबको पहले तो जुम्मा मुबारक। जुम्मे का टाइम है, जुम्मे का बरकत दिन है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर बीमारी से दूर रखे और सबकी परेशानियों को दूर करे। तो आई थिंक मोहम्मद अजीम नाम का भाई था जिसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि आपका जो सिंधी असील है वो 6 माह का नहीं है, ये 8 माह का बच्चा है। पर भाई मेरे ट्रस्ट में मेरी चीज़ है, मुझे पता है सिर्फ ये 6 माह का नहीं है, इसके अलावा भी मेरे पास और भी ब्रीड है। मैं आपको दिखाता हूँ और आप मेरी ओल्ड वीडियोस में जाएं, शॉर्ट्स में जाएं, उसमें डेट तो मेंशन हो रही होती है, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी वही बनाया था जब मैंने अपनी मुर्गियों को अंडों पर बैठाया था। और ये सारे जो मेरे जितने भी बच्चे हैं मैं अभी आपको ऊपर दिखाता हूँ कौन कौन सा मेरी मुर्गी का 6-6 माह का बच्चा है। वो माशाल्लाह 6 माह के नहीं लगते, अजाने देते हैं, मुर्गियाँ मेरी अंडे भी देती हैं। 6-6 माह की मेरी मुर्गियाँ अंडे भी देती हैं। बेसिकली वो बड़े इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि मैं उनको शुरू से 14 नंबर फीड खिलाता रहा हूँ। जब से वो पैदा हुए हैं तब मैंने 14 PS खिलाई थी और उसके बाद मैंने 14 नंबर खिलाई ग्रोथ की फीड। एक होती है अंडों की फीड, मैंने अंडों वाली नहीं खिलाई, मैंने ग्रोथ वाली खिलाई थी, इसलिए माशाल्लाह मेरी मुर्गियाँ सारे अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हैं। बाकी आए मैं आपको दिखाता हूँ, अब अपने सिंधी असील को भी दिखाता हूँ। अभी मैंने उसे खोला फ्रेश करने के लिए, क्योंकि मैंने उसे कल अंडा नहीं खिलाया। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि रात को अंडा नहीं खिलाना चाहिए, तो मैंने इसलिए उसको रात को अंडा नहीं खिलाया। मैंने कहा हो सकता है कोई साइड इफेक्ट हो मेरे नॉलेज में ना हो, या हो सकता है कोई और मसला पड़ जाए मेरे मुर्गे को अंडा खाने से। तो बाकी अजीम भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने मुझे बताया, मैंने बिल्कुल भी अंडा नहीं खिलाया। ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा कि कहीं आप समझे कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं, नहीं भाई। नॉलेज, जिस चीज़ का नॉलेज मिले उसे हासिल करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि रात को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, इसलिए मैंने उसे नहीं खिलाया। आज मैं इसे दिन में खिलाऊंगा। दिखाता हूँ मैं अब आपको अपना सिंधी असील मुर्गा के 6 माह का पट्ठा है, 7वें माह में लगा हुआ। कल माशाल्लाह इसने पहली बार अजान भी दी है, मुझे इत्तेफाक नहीं था इतनी जल्दी कि ये अजान देगा, पर इसने कल एक अजान दी है। मुर्गी को देख के अजान दी है आई थिंक, या जो भी दी इसने, पर अजान दी है। दिखाता हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह। मैंने इसका दाना भिगोया हुआ है, इसको मैंने इस वक्त अब गंदम खिलानी है। गंदम मैंने भिगो के रख दी थी, गंदम से मुर्गा बहुत जल्दी फूलता भी है और बहुत जल्दी मोटा भी होता है। सिर्फ इसको इसलिए गंदम खिला रहा हूँ और इसलिए भी मुर्गे मेरे जितनी भी मेरी ब्रीड है वो सारी ज़्यादा बड़ी भी लगती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर चावल बहुत शौक से खिलाता हूँ इनको। आज भी मैंने चावल उबाले हुए हैं, अब इनको शाम को ऊपर वाले देसी मुर्गे मुर्गियाँ जितनी भी उनको चावल खिलाऊंगा, इसको नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि इसकी एक अच्छी आदत यह है कि ये एक बार दाना खा ले तो ये अगले दिन तक दाना नहीं मांगता मेरे से, बिल्कुल भी नहीं खाता। दाना पड़ा भी रहता पिंजरे में ये मुँह नहीं मारता, इसकी ये मुझे सबसे अच्छी आदत लगती है। बाकी इसी वीडियो में आपको पता लग जाएगा, इसी वीडियो में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, इसी वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग भी करूंगा, तो मैं उसमें दिखाऊंगा बिफोर और आफ्टर में, सिर्फ एक एक तस्वीर डालूंगा ऐड करूंगा। बाकी जो दूसरी है मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा बिफोर और आफ्टर की, जिसमें लिखा हुआ होगा 6 मंथ है, जो भी एनीथिंग एल्स, वो तो जब बनाऊंगा तब किताब है। बाकी इसमें मैं एक आधी तस्वीर डालूंगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। जिस जिस मेरे भाई को डाउट है, जिस तरह मेरे अजीम भाई को डाउट था कि भाई ये 6 माह का बच्चा नहीं है, 8 माह का, इसी तरह और भी भाइयों को हो सकता है। घर से बात है, डाउट है, डाउट का तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो उस डाउट को सिर्फ क्लियर करने के लिए कि यार अगर हम चीज़ जो दिखा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी घर की चीज़ है, होम ब्रीड है, और एग्जैक्ट एज ही बता रहे हैं, क्योंकि मैं बेचता बहुत कम हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपने चार एक बड़ा अपना 1.5 साल का मुर्गा बेचा है चीना वाइट, वो भी मेरी वीडियोस में शो हो रहा होगा। और ए मैंने 3 बेचे हैं अपने 6-6 माह के पट्ठे बेचे हैं, क्योंकि मेरे पास पट्ठे बहुत ज़्यादा हो गए थे, अभी भी मेरे पास 3 पड़े हुए हैं देसी। वो देसी 6 हो गए थे और मुर्गियाँ थोड़ी थी तो वो फिर आपस में लड़ते थे, मैंने इस वजह से बेच दिए थे। मैंने एक वीडियो डाली हुई है, हमारी कल सुबह 5 दरिंदे टूट पड़े, उन 5ों में से मैंने 3 मुर्गे बेचे हैं, वाइट वाला, ब्लैक वाला और डार्क ब्राउन वाला। आप उसे जाके देखिए, डार्क ब्राउन से मतलब रेड कलर वाला, आप जाके देखें, वो भी माशाल्लाह 5-5, 6-6 माह के बच्चे ही थे। बाकी आए दिखाता हूँ आपको, ऊपर चलते हैं, ऊपर बच्चों को दिखाता हूँ आपको, बाकी मुर्गे मुर्गियों को बताता हूँ कौन कौन से मेरी होम ब्रीड थे और कौन कौन से मैंने बाजार से खरीदे थे। ये देखें भाई, ये अंडा है, ये अंडे का साइज है,
ये आपको खुद ही पता लग जाएगा कि छोटी मुर्गी ने दिया है कि नहीं दिया, और ये मेरी एक छोटी मुर्गी अंडा दे रही है अभी। ये भी मेरी होम ब्रीड है, 6 माह की ब्रीड है, ये भी 6 माह की बच्ची है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, छोटी सी उम्र में अंडों पे आई हुई है। ये ले, वो देखेंगे इसने अंडा उतार दिया नीचे, चलो साइड पे हटाओ। ये देखिए अब आप, ये मेरी दिया है एक और मुर्गी ने, ये बड़ा अंडा देती है, और ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये अंडा देखें कितना साइज में। सिर्फ मेरी जान, सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं कि मेरे भाई को यकीन आ जाए कि हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरे पास जितने भी ब्रीड हैं ये सारी मेरी होम 6-6 माह की ही, इससे बड़ी कोई भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी सारी बड़ी ब्रीड थी वो मैंने आस्ता आस्ता ख़त्म कर दी है। 2 के 3 तो मेरी मुर्गियाँ खुद ही मर गई, पता नहीं क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, 2 दिन में मरी हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन में मेरी 3 मुर्गियाँ मरी हैं, और फिर मैंने 3 मुर्गियाँ भी अपने बेच दी है, फिर 1 महीने भी पिछले हफ्ते बेचा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो जो मेरे यानी कि छोटे छोटे बच्चे मैंने शौक से पाले हैं, छोटे छोटे बच्चे शुरू से तब से लेके अब तक। ये देखो ये 5 माह का, 6वें माह में लगा हुआ, मार्च में, ये भी मार्च का ही है, मजाने देता है माशाल्लाह। ये एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये सील मुर्गी, ये भी मेरी होम ब्रीड है, और ये मुझे काटती रहती है हर वक्त। ये मैं बाजार से लाया हूँ, ये भी मैं बाजार से परचेज की, और यार हद ही होगी, तो ये तो हाथ ही नहीं लगा सकता, मैं काटी जा रही हो, मैं तुम्हारी गर्दन ही तोड़ दूंगा आज, तो आज गर्दन तोड़ ही दूंगा मैं। ये जावी साहब है, ये भी मैं बाजार से लाया हूँ, ये मेरे से मार खाएगी, ये देखो ये ना हाथ नहीं लगाने देती अपने आपको, इसे पता नहीं क्या मसला, ये काटती बहुत बुरा। ये मेरी होम ब्रीड है माशाल्लाह, ये मेरे पट्ठे हैं, हीरे पट्ठे, ये भी मैं बाजार से लाया था, पर ये मैं छोटे छोटे लाया था 4500 के। पीछे हटो, ये भी मेरी बाजार की मुर्गी है, ये मेरी होम ब्रीड है, वो भी मेरी होम ब्रीड है, वो मेरी बाजार की है, वो भी मेरा होम ब्रीड मुर्गा है, वो आप देख सकते हो माशाल्लाह, लॉन्ग हाइटेड मुर्गा है वो। गर्मी इतनी पड़ नहीं रही, पता नहीं क्यों सबके सब हैक रहे हैं, चले करते हैं कुछ ना कुछ इनका। और एक ये अभी जिसने अंडा उतारा, ये भी मेरी होम ब्रीड है। बाकी यार देखो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं बना रहा कि भाई को यकीन या बेयकीनी वाली बात है, नहीं भाई, लेकिन फिर भी एक दिल में होता है कि नहीं यार हम एक चीज़ पाल रहे हैं शुरू से, और फिर कोई भी भाई कमेंट कर दे कि यार ये इतने का नहीं है, इतने का नहीं है, इतना नहीं है, तो भाई तकलीफ़ होती है, दुख होता है, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरी मेहनत कितनी है इनके पीछे, स्लैब पे ये सारा कुछ, ये जो आपको नज़र आ रही है सारा कुछ मैं उठा उठा के लेके आया हूँ, 4थी मंजिल पर मैंने खुड्डा बनाया, 4th फ्लोर पर, क्योंकि छत मैंने ली हुई अपने घर वालों से, इसीलिए मैंने छत ली है, क्योंकि नीचे आना जाना होता सब तंग करते हैं, और 4th फ्लोर पे कोई भी नहीं तंग नहीं करता, ये पूरा फ्लोर मैंने अपनी मुर्गियों के नाम किया हुआ है, ये 4th फ्लोर पे सारे देसी और सील मिक्स रखे हुए हैं, और जो सिंधी सील है वो मैंने 3rd फ्लोर पे सीढ़ियों के नीचे खुद्दा बनाया हुआ उसमें रखा हुआ उसे, क्योंकि उसे मैं इनके पास नहीं रखना चाहता, उसे मैं अलग रख रहा हूँ, उसे मैं तैयार कर रहा हूँ, बेसिकली उसे तैयार मैं अपनी मुर्गियों के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक दोस्त है हसाम, उसके पास पाकिस्तानी सील है, मैंने शेरू और कालू को भी लड़वाया था उससे, उसका मुर्गा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लॉन्ग हाइटेड मुर्गा और फुल फाइटर मुर्गा है, तो उसके साथ मैंने इसको सिंधी को लड़वाना है एक बार ही, सिर्फ ज़्यादा शौक नहीं है मुझे लड़वाई का, सिर्फ जोड़ लड़वाना है मैंने, उसके बाद मैं इसको मुर्गियों के साथ रखूँगा, इसलिए इसको मैंने अलग रखा हुआ है, और इसको इसलिए खुराक शराक वगैरह दे रहा हूँ आजकल, कई 1-1.5 महीने में अपने आपको रिकवर करे, थोड़ा सा फाइट के काबिल है, फाइट करता है, मैं ये नहीं कह रहा फाइट नहीं करता, फाइट करता है, पर थोड़ा सा जो है ना अभी डर है इसके दिल में, तो इसका डर दूर इसी तरह होना है, एक तो इसके साथ का कोई मुर्गा नहीं है मेरे पास जिससे मैं इसका जोड़ करवा सकूँ, क्योंकि शेरू और कालू तो आपस में लड़ते रहते थे, मैं खुद उनको लड़वाता था प्रैक्टिस के तौर पर, 10-10 मिनट 20-20 मिनट हो गए उस तरह उनका स्टैमिना बिल्डअप होता था, फिर उठा लेता था, फिर थोड़ा सा पट्टे पुट्टे खींच के छोड़ देता था मैदान में। बाकी मेरे भाई वीडियो बना ली है, अब आप देख लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें, फिर भी अगर आपको ना यकीन आए तो आप मेरी शॉर्ट्स में चले जाइएगा, ओल्डेस्ट शॉर्ट्स में, जब यानी कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था 6 माह पहले, तब से मैंने इस पर वीडियोज अपलोड करना शुरू किया, तब आप देख लीजिएगा उस पर। बाकी मैं इस वीडियो में भी मज़ीद तस्वीरें डालूंगा बिफोर एंड आफ्टर की, आप उसको भी देख लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़।